वायरल हो रहे वीडियो को समाचार के रूप में चलाने पर नाराज हुआ प्रधानाध्यापक, अपना रहा है अलग अलग हथकंडे। प्रधानाध्यापक ने अधिवक्ता द्वारा दिलाए हमारे प्रयागराज ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडेय को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी। प्रयागराज जहां सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति कर प्राइमरी पाठशालाओं में पढ़ने वाले दुधमुंहे बच्चों को दोपहर का भोजन सहित पढ़ने हेतु कापी किताब स्कूल ड्रेस सरकार द्वारा मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है, वही प्रयागराज हंडिया तहसील के विकास खंड धनुपुर अंतर्गत खुरनशाहपुर में नियुक्त प्रधानाध्यापक अच्छेलाल यादव द्वारा क्लासरूम में लेटे आराम फरमाते हुए बच्चों द्वारा कापी किताब से हवा हकवाते मुस्कराहट की स्थिति में मोबाइल चलाया जा रहा है। इस प्रकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए प्रधानाध्यापक का वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। उक्त समाचार को प्रयागराज ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडेय के द्वारा समाचार के रूप में प्रसारण करने पर उक्त प्राइमरी पाठशाला में नियुक्त प्रधानाध्यापक अच्छेलाल यादव द्वारा हाईकोर्ट प्रयागराज के अधिवक्ता द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान करने की धमकी दिलाई जा रही है। आइए सुनते हैं ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडेय और अधिवक्ता में क्या बात हुई। अरे भाई साहब, ये आप माधोपुर एक्सप्रेस से बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? हाँ, मैं कृष्ण सिंह एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए महोदय। तो ये बताएं कि आप एक अच्छेलाल यादव जी हैं? जी जी। हाँ, तो आप इनको परेशान कर रहे हैं कॉलिंग कर करके कि मैं आप हमसे मिलिए नहीं, ये निकाल दूंगा वो दूंगा। तो आप जब निकाल चुके हो तो फिर दबाव क्यों इनके ऊपर बना रहे हो भाई? दबाव बनाएंगे तो देखिए ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, कह लीजिए, आप तो हमारी भी सुनिए। नहीं हाँ, अच्छा पहले नहीं, आप ही बता दीजिए। और नहीं तो देखिए ये सब पोर्टल पे डलवा दूंगा, FIR आपके खिलाफ लाज कराएंगे हम तब। हाँ हाँ, तो ठीक है, पहले हमारी भी सुन लीजिए, जो इच्छा हो आपकी करिए, मैं उससे पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन हाँ, हमारी भी सुन लीजिए। हाँ बताएं। देखिए, जब वो वीडियो वायरल वीडियो हमारे पास आया, हाँ, हमने उसको देखा, हाँ, तो हमने इनको कॉल किया, उनका महोदय आपका वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हो रहा है, इससे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इन्होंने कहा कि जो है अपनी सफाई उफाई दिए, पेश किए कि हमारे हमको गश्त आ गया था, हम गिर गए थे और बच्चे जो है अपनी कापी किताब से हमको हवा हाँक रहे थे। तो इनकी मतलब सारी बात हमने सुना जी। तो हम कहा ये बताइए, जब आपको गश्त आ गया, आप गिर गए और वहाँ बच्चे जो है कापी किताब से हवा हाँक रहे हैं और आप मुस्कराते हुए मोबाइल चला रहे हैं, तो क्या बेहोशी हालत में ऐसा हो सकता है कोई मोबाइल चलाएगा? और फिर जब आप गश्त आ गया तो स्टाफ के भी आदमी सब इकट्ठे हो जाते हैं, हाँ, तो लेकिन वहाँ स्टाफ का कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल बच्चे हवा हाँक रहे हैं, आप हंसते हुए मोबाइल चला रहे हैं। तो कहें ठीक है पाने जी, हम आपसे मिलेंगे, जो होगा हम असलियत बताएंगे। हम कहा ठीक है, मिलिए। तो हमने दो तीन दिन चार दिन तक इंतजार किया इनको, और जब नहीं आए तो हमने न्यूज लगा दिया, लगाने के बाद न्यूज, उसके बाद हमने किसी से कोई बात नहीं किया है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि हमको कई बार फोन कर करके बुलाते हैं, टॉर्चर करते हैं। नहीं तो अगर ऐसा होगा तो उनके पास प्रमाण भी होगा ना, मोबाइल से अगर हम फोन किए हैं तो होगा ना? हाँ, ये तो कह रहे हैं चैटिंग इनका बराबर ही किए हैं हमारे पर मोबाइल पे। नहीं भाई, हमने बस न्यूज लगने के पहले बात किए थे, वही बात तो आपको बताया। पहले के बाद में? हाँ नहीं, बाद में हमने नहीं किया है, पहले किए हैं। अच्छा हाँ, अभी कर रहे हैं, अभी को बता रहे हैं। हाँ, सब न्यूज लगने के बाद हमने कभी कॉल किया? आप पूछिए। हाँ, मना किया गया तो निकलने के, ये तो साल की पत्रकार। अच्छा चलिए, आप मिल लिए होते, एक बार अपनी बता दिए। भविष्य में पत्रकार राजेंद्र पांडेय के साथ यदि किसी प्रकार की घटना होती है तो इसके जिम्मेदार प्रधानाध्यापक अच्छेलाल यादव सहित शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी होंगे, क्योंकि वायरल वीडियो की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी दी जा चुकी है और अभी तक अधिकारियों के द्वारा मामले को लेकर संज्ञान में नहीं लिया गया है, न तो उक्त प्रधानाध्यापक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज।